हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कहाँ जा रहे हैं हम साची? हम पता नहीं, पहले हमने डिसाइड किया था हम एक फार्म में जाएंगे, मतलब स्ट्रॉबेरीज पिक आप लाइक प्लक कर सकते हो, पिक कर सकते हो एंड देन घर पे ला सकते हो। पहले वो डिसाइड हुआ था, अभी कब पता, अभी सच्ची उधर जा रहे हैं कि देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं, कुछ सोचा नहीं है अभी। स्टार्ट रेडी तो हो गए जाने के लिए। हम लोग सरी में रहते हैं, वैंकूवर साइड, सरी बीसी। तो जिन लोग को मैकडोनल्ड में एक्सपीरियंस है उनका तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, स्पेशली जब हम यहाँ पे हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं। तो मैकडोनल्ड में हमने एग मफिन ऑर्डर किया था। अब एग मफिन में सुनने से ये लगता है कि मफिन में एग होगा, बॉयल्ड एग या फ्राइड एग होगा बर्गर के अंदर और चीज़ वगैरह होगा, बट एक्चुअली में जब आपने एग मफिन अकेला अगर उनको बोला है तो उसके अंदर वो लोग, अगर आपने नहीं स्पेसिफाई किया, नहीं बताया उनको, तो वो बेकॉन हैम दोनों में से कोई एक चीज़ डाल देंगे। तो आपको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा। बेकॉन या हैम का मतलब होता है सुअर या गाय का मीट, तो आपको बोलना पड़ेगा एग मफिन नो मीट, तो वो बोलना है। अगर जो लोग वेजिटेरियन है खासतौर से इस चीज़ को बहुत माइंड करते हैं। बस क्या कंप्लेंट लिखवाई, फिर उन्होंने हमें बताया ऐसे ऐसे आपने ऑर्डर किया तो गलती हो गई, बट फिर हम एग वाला लेकर आए, वो खाया है अभी। अभी हम आ गए हैं बीकानेर स्टोर। यहाँ पे बहुत सारे स्वीट्स, मिठाइयाँ, हर तरह की वैरायटी है। पहले नहीं होती थी, अभी हर तरह की मिठाई मिलती है। तो इसमें बर्फ़ी है, जलेबी, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, आप देख सकते हो। इसमें बूंदी के लड्डू भी हैं और बहुत सारी और भी मिठाइयाँ, और खाने पीने का सामान भी बहुत है, जैसे कि नान, रस मलाई, वैसा। अभी हम आए हैं, बर्गर से तो हमारा कुछ नहीं बना, भूख लगी है, फिर भी हम अभी खाने वाले हैं बीकानेर के छोले और समोसे। समोसे और छोले। ये हम खाने वाले हैं समोसे और छोले, खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है, क्या मजा है। यहाँ पे आप खुद जाओ फार्म में और जाके अब ब्लूबेरीज या रसभरी लेकर आओ, बट हमने ब्लूबेरी नहीं लेनी, हमने लेनी है रसभरी, तो हम चलते हैं दूसरे फार्म में। अभी हम आए हैं सरी फार्म में, यहाँ पे हमने लिया है ऑर्गेनिक हनी, दही लिया ऑर्गेनिक, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और साथ में हमने लिए ऑरेंज, बच्चों को फेवरेट है। गाइस हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के और रसबेरी के फॉर्म्स में आए हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप खुद जा कर के रसबेरीज तोड़ के कलेक्ट करके बकेट्स में डाल के लेके जाके फिर वेट करा के ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, खुद से प्लक करके घर पे लेके जा सकते हैं। रसभरी नहीं, रसबेरी है, पंजाबी की है, पंजाबी नहीं है, रसबेरी। हाँ, पंजाबी मिक्स कर रही है, पंजाबी च रस भरी, रस दी भरी होई रस भरी, इंग्लिश च है रसबेरी। यस, रेड बेरी, रेड बेरी, गर्मी लग रही, जोड़ा बन रही, बट अति सुंदर तो है, लेकिन उससे सुंदर तो मैं हूँ ना। देखो कितने रेड है, ये नहीं, उधर वाले, ये देखो
ये वाले ये मम्मा का कब्जा हो गया था, ये कितने रेड है, जैसे वो बोलते ना मैंने पहले देख लिया, सो मम्मा का कब्जा हो गया था, लेकिन अभी पापा से अ यूनिक थिंग टू डू, बहुत अच्छी यूनिक बात है, बहुत मजा आ रहा है हमें कि आप खुद पिक करते हैं और इस तरह से आप ये पिक करके ये देखिए आप इसको बकेट में रख दीजिए और बाद में जाके इसकी प्राइसिंग करवा लीजिए, वेट करके वो लोग जो भी प्राइस है इसका $5, $6 पर आई थिंक पर पाउंड है समथिंग, आई विल हैव टू गेस, मैंने तो पूछा भी नहीं कि प्राइस क्या है इसका, तो इस तरह से हम लोग इसको ये देखिए कितने आराम से ये निकल जाती है, और ये देखिए ये बिल्कुल रेड है, ये इसको एक हम प्लग कर सकते हैं, लाइए ये देखिए किस तरह से हम लोग इसको ये बकेट में रख सकते हैं। अब हम लोग इसको प्राइसिंग करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, सो इनके जो सरी फॉर्म्स है ये फ्रेश, इन लोग की छली जिसको हम बोलते हैं भुट्टा फ्रेश, तो इन्होंने फॉर्म से पिक किया होगा, और ये ओकानागन बेरी है, क्या चेरी है, तो आप ले लो अगर लेनी है तो ठीक है। वैसे ये है ये फ्रेश टोमेटोस, ये है अभी के फ्रेश खीरे, ये रोज से एक चीज है, यहाँ से हैंड पिक किया होंगे शहद, फ्रूट्स तो सारे ऑर्गेनिक फ्रेश ये हैं। थैंक यू। सो ऐसे आप ये पिक करके यहाँ पे प्राइस इनको पे करके आप जा सकते हैं, जैसे हम लोग वहाँ से में लेके आए हैं वैसे इन्होंने रेडी भी रखे हैं लाइक दिस। एकदम पतले से हैं, मोटे हैं। इसके बाद गए हम मॉल, मॉल में मुझे कुछ एक्सेसरीज चाहिए थी और कलरफुल हेयर बैंड्स भी चाहिए थे, कुछ क्लिप्स चाहिए थे बच्चों के, फिर हमने सब सामान बाय किया। हम लोग मॉल से थोड़े घंटे पहले ही आ गए थे, घर पे आके हमने डिनर खा लिया एंड हमने टीवी देखा एंड अभी हम बाहर आए हैं थोड़ी देर के लिए। मैं और साची बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं मॉल में, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ एंड फन जोन एंड ऑल नहीं है, एंड कभी कभी मज़ा भी आता है क्योंकि मेरी शॉपिंग होती है एंड स्टफ, एंड यहाँ पे क्लॉ मशीन्स भी है मॉल के अंदर, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है जैसे इंडिया में होती है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंटली एक्टिविटीज़ है, मॉल के अंदर नहीं है बट डिफरेंटली बहुत सारी है, और बाउंस भी नहीं है मॉल के अंदर, बाउंस भी बाहर है, तो सारी एक्टिविटीज़ बाहर हैं और मॉल के अंदर नहीं है, सिर्फ खाने पीने का अरेंजमेंट है और शॉपिंग है, शॉपिंग जितनी मर्जी करो हर एक ब्रांड है मॉल के अंदर, बट बच्चों का प्ले एरिया प्ले जोन तो है ही नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए बच्चे नहीं जाते हैं मॉल में, ज़्यादा पसंद करते हैं बाहर ही ज़्यादा जाते हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।